अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खैरत से? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये भी ज़रीफ़ उस्ताद का किचन है, तो ये सारे पियर है माशाल्लाह और खूबसूरत जगह बनाया। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को जगह दिखा लेता हूँ दोस्तों कि पियर के लिए आप लोगों को कैसे जगह सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग चेक करो, सफाई ना करना दोस्तों। ये नहीं कि ज़रीफ़ उस्ताद सफाई नहीं कर सकता, इनका कर सकता है, लेकिन जो जो पियर है दोस्तों उनका सफाई ना करो तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही फिर गर्म होते हैं दोस्तों ये जगह। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त गर्म है। हालांकि देखो, ज़रीफ़ उस्ताद ने सारा छुपाया है ये जगह, क्योंकि सारे इनमें से पियर है, पियर का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा लेता हूँ। तो खूबसूरत पोटा बंद है दोस्तों, पियर है। अभी मुझे तो खुद ऐसा खास अंदाजा नहीं है, तो ये तो एक बच्चा है, ये मेरे ख्याल से फीमेल है, ये मेल है दोस्तों। तो नीचे देखते, नीचे दूसरा पियर दोस्तों, सुरखा पटादार जिसे कहा जाता। तो इस तरफ सियाह पट्टादार सफेद दुम में दोस्तों, खूबसूरत। तो यहाँ पर नीचे पर टेंचे वगैरह दोस्तों, तो यहाँ पर फिर सुरखक पट्टादार दोस्तों। इसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये अंडे होंगे या बच्चे होंगे, तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इसके बच्चे दोस्तों, करबलाई पटादार सफेद दुम में, खूबसूरत दो छोटे छोटे बेबीज। तो ये रहे सारे दोस्तों, अब पता नहीं इसके अंडे हैं या बच्चे। तो इस तरफ फिर सुरखक पटादार दोस्तों, इसके तो अंडे हैं, मैंने खुद देखे। तो यहाँ पर पता नहीं बच्चे, हाँ बच्चे हैं दोस्तों, दो छोटे छोटे बेबीज। बहुत नज़दीक में इसलिए नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे। ज़रीफ़ उस्ताद तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो बहुत ही मेरा इज्जत करता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उसका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो वो तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बंदे को खुद एहसास होना चाहिए दोस्तों किसी का शौक का। यहाँ पर भी दोस्तों दो छोटे छोटे खूबसूरत बेबीज, से आप लोग चेक करो, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर फिर दोस्तों एक खूबसूरत बेबी जिसे पोटा बंद कहा जाता है, उसका माँ ने और अंडे डाले दोस्तों, वो अंडे पर बैठी है। लेकिन ये छोटे छोटे बेबी आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर सुरखक पटादार दोस्तों, जोगी। यहाँ पर दोस्तों करबलाई के दो छोटे छोटे बेबी। तो माशाल्लाह जो पियर रखे ज़रीफ़ उस्ताद से दोस्तों, खूबसूरत पियर लगे, एक से एक बढ़कर पियर है। तर मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ, उसके बाद फिर बेबीज में आप लोगों को दिखा लेता हूँ कि और किस किस के बेबीज है और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत छोटा बेबीज निकला है दोस्तों बाहर, तो साथ में एक चकोर भी रखा है दोस्तों ज़रीफ़ भाई ने, चकोर भी मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं आप लोगों को दोस्तों बेबीज दिखा लेता हूँ। ये अच्छी जोगी पटादार, इसने ये बेबी निकाला है, पता नहीं ज़रीफ़ उस्ताद ने किसी और का अंडे रखे, मुझे तो खुद पता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों शरबती पटादार, मेरे ख्याल से शरबती पटादार कहा जाता। यहाँ पर करबलाई अपने बेबी को दाना दे रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एक करबलाई बैठा है दोस्तों अपने बच्चों पर।
तो ये सामने दोस्तों रेसर के बेबीज, तो दोस्तों तो ये रहे थे सारे पीर, मैंने आप लोगों को दिखाया जो रह गए दोस्तों उसके अंडे थे, उसे तो मैं तंग नहीं कर सकता ना उड़ा सकता हूँ क्योंकि मुनासिब नहीं होगा। तो ये सारे जरी पुस्ताज के पीर है दोस्तों, खूबसूरत जगह जरी पुस्ताज है, पूरा कमरा इन लोगों के लिए खारी किया है दोस्तों, ये आप लोग चेक करो क्योंकि शौक है, शौक का कोई मोल नहीं। और दोस्तों कुछ भाई अक्सर क्विटा के मतलब कुछ लोग, बहुत नहीं कुछ लोग बहुत ही बैड कमेंट करते हैं दोस्तों मोनिट, वो तो इंसान को मतलब नहीं कर सकता लेकिन बैड कमेंट करते। खैर ये दो तीन बैड कमेंट का मुझे कोई परवाह नहीं, जो बेस्ट कमेंट करते हैं तो उनकी खातिर की वजह से दोस्तों मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास मतलब ना टाइम होता है ना कुछ और ना कुछ और, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ बार बार, इसलिए लाता हूँ कि जिस भाई के पास टाइम नहीं होता, जिस भाई के साथ जगह नहीं होता, तो वो मतलब कबूतर YouTube में इजीली देख सकता है। तो हर किसी के हजारों मसले होते हैं, ये नहीं कि हर कोई कबूतर का शौक कर सकता है, तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अक्सर भाई जो है बैठ कमेंट करते हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या, हालांकि उन लोगों का कमेंट मैं इसी वीडियो में मेंशन भी कर सकता हूँ, नाम भी उसका मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं बंदे का जारी होगा दोस्तों, उसका दिल से ऐसा ना हो मेरे लिए बदवा निकले, तो उससे मेरा यही दरख्वास्त है कि भाई आप मेरे भाइयों कोशिश किया करो, बैठ कमेंट मत किया करो, अगर बंदे को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो बैठ कमेंट भी मत ना किया करो, क्योंकि बहुत इंसान को दुख होता है दोस्तों जब बैठ कमेंट आता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं काफी दूर से अभी आया हूँ जरीफ उस्ताद के पास, तो इस कबूतर का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी अच्छा खासा टाइम भी पास हो जाता है, कुछ नॉलेज भी हो जाता है कि कबूतर का शौक किस तरह करना चाहिए, जो पियर है वो किस तरह करना चाहिए, जो उड़ान है वो किस तरह देना चाहिए, किस जगह में सीटी मारना चाहिए, किस जगह में कबूतर को बिठाना चाहते है दोस्तों, तो सारे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कबूतर के हवाले से। और सिर्फ कबूतर नहीं, जो भी बर्ड्स हो दोस्तों उन सब का मैं वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ बर्ड्स का, हर किसी का अपना शौक होता है दोस्तों, कोई कबूतर पालना चाहता है, कोई इस तरह खूबसूरत चकोर पालना चाहता है, कोई असील मुर्गे पालना चाहते हैं, तो हर किसी का अपना शौक होता है। और आजकल दोस्तों जो पिंच वगैरह है इसका शौक काफी ज्यादा है, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के पास लाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो आप लोग। तो दोस्तों ये रहा था जरीफ उस्ताद का एक खूबसूरत वीडियो, जिसने जिस जगह में पियर रखा था दोस्तों, मैंने जगह भी आप लोगों को दिखाया, पियर भी दिखाया, जिसके छोटे छोटे बेबी थे वो भी दिखाए, अंडे भी दिखाए, तो सारे इनमें से दोस्तों अक्सर रंगे कबूतर है। और ये करबलाई पटादार ये बहुत ही महंगा होता है, ये अच्छी पटादार बहुत ही महंगा होता है, तो ये आप लोग चेक करो दोस्तों, जो मेल है वो अपने बेबीज को दाना दे रहा है खूबसूरत अंदाज के साथ। तो दोस्तों माइंड मत कीजिएगा मेरी बातों को, वो भाई भी माइंड मत कीजिएगा जिसको मैंने बोला, जिसने बैठ कमेंट जो लोग करते हैं उससे भी मैं माजरत खाऊ, लेकिन दोस्तों दरख्वास्त थी बैठ कमेंट वालों से कि वो बैठ कमेंट ना किया करे, तो अपना वीडियो देख लिया करे और खूबसूरत कमेंट किया करे दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब वो मिलता है दोस्तों आप लोगों के एक कमेंट से। तो दोस्तों ये रहा था आज का एक खूबसूरत वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो फिलहाल मुझे दे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।